आईपीआर लॉज के इस वीडियो सीरीज में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो क्रिएटर है, जो इन्वेंटर है, जिसने किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्रिएशन किया है, व्हाई देयर इज नीड कि हम उस क्रिएटर, उस इन्वेंटर को एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड करें इन कंटेक्स्ट ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो हम जो भी एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड करेंगे क्रिएटर को उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्ड में, उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड करने के पीछे के क्या क्या वैलिड रीजंस हैं, और हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आईपीआर को समझेंगे, और एंड में हम कंक्लूजन देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये समझेंगे कि शालमन ने कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया था। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर सेकेंड लेक्चर है। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मीनिंग को समझा इन डिटेल विद नोट्स। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो उस वीडियो को पहले देख लो, ठीक है। चलिए देखो शालमन क्या कहते हैं। शालमन कहते हैं कि आईपीआर इज इमटेरियल प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्स ब्रेन। शालमन कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो क्या है? इट इज इमटेरियल प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इमटेरियल प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, which may be as valuable as his land and his goods. The law therefore gives him proprietary rights in him. ठीक है। तो शालमन कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो इमटेरियल प्रोडक्ट है। यानी अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नेचर को देखें तो ये इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है। इंटेंजिबल प्रोडक्ट है ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच मे बी एज वैल्यूएबल एज हिज लैंड गुड्स। इसलिए लॉ क्या करता है? उस इन्वेंटर को, उस क्रिएटर को प्रोपराइटरी राइट्स प्रोवाइड करता है उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्ड्स में, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन एज पर शालमन। अब देखो, हम बार बार एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये वो राइट्स हैं जो एक्सक्लूसिवली बिलोंग करते हैं क्रिएटर को। ये एक्सक्लूसिव राइट्स हैं उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्ड में। हमने जाना था कि जब हम एक्सक्लूसिव राइट्स के बारे में बात करते हैं तो हम चार राइट्स के बारे में बात करते हैं। राइट टू यूज़ राइट टू एक्सक्लूड अदर्स राइट टू डिस्पोज एंड राइट टू डिस्ट्रॉय। तो जब कभी भी मैं एक्सक्लूसिव राइट्स के बारे में बात करूंगा
तो ये चारों राइट्स उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दीज आर द एक्सक्लूसिव राइट्स विच आर गिवन टू द इन्वेंटर, जो कि इन्वेंटर को प्रोवाइड किया जाता है रिगार्डिंग दैट प्रॉपर्टी, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो उसका क्रिएशन है। अच्छा, ये जो एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसे प्रोवाइड किए जाते हैं, और एट लास्ट ये जो प्रॉपर्टी है वो पब्लिक डोमेन में बिलोंग कर जाती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, राइट। तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। तो आप लिख लो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एक्सक्लूसिव राइट्स exclusive rights which are granted to inventor for his creation known as IPR. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड करने के पीछे के क्या क्या वैलिड रीजंस हैं, आइए उसे हम समझते हैं। देखो, What are the valid reasons behind providing such rights? देखो, ये जो हम exclusive rights provide करते हैं inventor को, वो उसे encourage करता है। ये जो rights हम provide करते हैं inventor को, ये rights उसे encourage करता है कि वो क्या करे, और भी नए नए inventions करे for the welfare of the society. मान लो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, मान लो एक पर्सन है हु हैज स्पेंड मैनी ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, जिसने अपने लाइफ के कई साल लगा दिए हैं उस इन्वेंशन के पीछे, हु हैज स्पेंड मैनी ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, उसके एफर्ट्स भी गए हैं, टाइम गया है, मनी गया है, ठीक है, ऑब्वियसली माइंड गया है। तो अ पर्सन हु हैज स्पेंड हिज many years and he put effort, time, money, mind to give shape to a product, ek product ko banane mein uska effort, time, money, mind ye sab kharch hua hai taki wo human life ko aur bhi easier, aur bhi aap keh sakte ho सिंपल बना सके, टू मेक ह्यूमन लाइफ मच इजियर एंड सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कोई एक पर्सन, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, एक ही प्रोडक्ट के कई सारे सब्स्टिट्यूट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। तो अगर मान लो हम इस पर्सन को इसके इन्वेंशन के रिगार्ड में एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो कोई भी पर्सन आसानी से इसके इस इन्वेंशन को डुप्लीकेट कर लेगा, इसके इन्वेंशन को कॉपी कर लेगा और अनड्यू एडवांटेज उठा सकता है, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड एक्सक्लूसिव राइट्स विच विल सोलली बिलोंग टू सच क्रिएटर,
जो कि केवल इसी क्रिएटर को जाएंगे, ताकि एक रीजनेबल रिटर्न हम इसे प्रोवाइड कर सकें, ताकि ये मोटिवेटेड हो, ये एनकरेज हो और अपने लाइफ को और भी इन्वेंशन बनाने में अपने लाइफ को वो लगा दे, ठीक है, ताकि सोसाइटी का क्या हो, वेलफेयर हो। अब देखो, चूंकि एक पर्सन जिसे उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्ड में एक्सक्लूसिव राइट्स मिला हुआ है, तो यानी उस प्रॉपर्टी को यूज करने का जो सोल राइट है उसके पास है, उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करने का जो राइट है उसके पास है, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का जो राइट है उसके पास है, राइट। तो अब क्योंकि जो प्रॉपर्टी से जुड़े सारे राइट्स हैं वो केवल उसी को बिलोंग करते हैं, इसलिए हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को मोनोपोली राइट्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो IPR इज ऑल्सो नोन एज मोनोपोली राइट्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, इसे हम मोनोपोली राइट्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो IPR है वो एक स्ट्रॉन्ग टूल है, IPR एक स्ट्रॉन्ग टूल है जिसका यूज करके हम उस इन्वेंटर के इन्वेस्टमेंट, टाइम, मनी, एफर्ट्स को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। IPR कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन्वेंटर को रिगार्डिंग हिज इन्वेंशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये दूसरे पर्सन को डिसवेड कर देता है, प्रोहिबिट कर देता है कि आप उसके इन्वेंशन का कॉपी नहीं कर सकते हो, यू कैनॉट इमिटेट दैट प्रोडक्ट, आप उस प्रोडक्ट का नकल नहीं कर सकते हो और सेम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस प्रॉपर्टी से जुड़े जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं इन फॉर्म ऑफ IPR वो ओरिजिनल क्रिएटर को बिलोंग करते हैं, और अगर आप ऐसा करते हो तो इट इज़ इलीगल और इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो इन्वेंटर है उसके राइट्स को सिक्योर करने के लिए हमारे पास कई लॉज हैं, कई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं, ठीक है, ओके। तो ये था रीजन बिहाइंड प्रोवाइडिंग राइट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब कह रहे हैं देयर कैन बी मैनी फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हमने जाना कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का टैग है वो कई सारे फील्ड ऑफ वर्क में दिया जाता है, जैसे आर्टिस्टिक, लिटरेरी, कोई साइंटिफिक डिस्कवरीज, राइट, ब्रॉडकास्ट, फोनोग्राम्स, परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। तो इन वेरियस फील्ड ऑफ वर्क में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं उनका एक स्पेसिफिक नाम है, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिज़ाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें केवल 3 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करना है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ IPR हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। तो ये था रीज़न बिहाइंड प्रोवाइडिंग राइट्स ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नाउ क्या है कंक्लूजन, देखो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो एक प्रकार का लीगल राइट है जो एक पर्सन के आर्टिस्टिक वर्क, उसके लिटरेरी वर्क, उसके इन्वेंशन, डिस्कवरीज, सिंबल, डिज़ाइन को सिक्योर करता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आप लिखोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज अ काइंड ऑफ लीगल राइट दैट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन्स आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, सिंबल्स, डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। थ्रू दीज राइट्स, इन राइट्स के थ्रू जो IP ओनर है कैन एंजॉय देयर प्रॉपर्टी, वो अपने प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस के, और दूसरे पर्सन को प्रिवेंट कर सकते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करोगे विदाउट माई परमिशन। और इंडिया में कई सारे लॉज हैं IPR को लेकर के, जैसे एक है हमारा कॉपीराइट एक्ट 1957, एक है हमारा ट्रेडमार्क एक्ट 1999, एक है हमारे पास पेटेंट एक्ट 1970,
डिजाइन एक्ट 2000 एंड सो ऑन, लेकिन हमें केवल तीन एक्ट को पढ़ना है, कॉपीराइट एक्ट 1957, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, पेटेंट एक्ट 1970, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने उन रीजंस को जाना जो कि क्या है, हमने उन रीजंस को जाना विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड राइट्स ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू द क्रिएटर्स, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है और ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि सच में अच्छा कंटेंट आपके बीच लाया जा रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।